एवरीवन, वेलकम टू मम्पीज लाइव हिंदी। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दो डिफरेंट स्टाइल, और वो भी सिंपल साड़ी के साथ। सिंपल साड़ी के साथ हम कैसे डिज़ाइनर साड़ी और गाउन बना पाएंगे, और ये दो स्टाइल आप लोग किसी भी पार्टी पर पहन के जा सकते हो। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, शुरू से एंड तक देखना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस स्टाइल पर ना हमें एक सॉफ्ट सिल्क साड़ी की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पर जो साड़ी यूज़ किया है, इसका लिंक और कोड आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। अगर आप इसे परचेस कर सकते हो तो परचेस कर लेना, बहुत ही अच्छी साड़ी है। देखो, सबसे पहले तो हम ऐसे साड़ी को पेटीकोट के अंदर ऐसे टक कर लेंगे, पूरा कवर कर लेंगे हमारी कमर के साथ। अब जो है ना, हमें करना है इसका ये जो पल्लू का साइड है, इसे एक कैजुअल पल्लू हमें सेट करना है। देखो दोस्तों, जो लोग नए हो मेरे चैनल पर और ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दो कि सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी आप लोगों के पास। और मेरे ना एक बंगाली चैनल भी है, जो लोग बंगाली हो वो जाकर मेरी मम्पीज लाइव वो बंगाली चैनल पर विज़िट कर सकते हो। अब देखो, हम ना ऐसे पीछे से लेकर आकर ये पल्लू को ऐसे टक कर दिया। अब हमें स्प्लिट को रेडी करना है। स्प्लिट को रेडी करने के लिए ऐसे इस तरफ से हमें स्प्लिट को अरेंज करना है। पहला वाला स्प्लिट है वो ज़्यादा बड़ा रखना है, और उसके बाद जो होगी ना, वो छोटे छोटे स्प्लिट को ऐसे हमें सेट करना है। दोस्तों, ये जो साड़ी है ये मीशो से मैंने परचेस की है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही सॉफ्ट सिल्क साड़ी है। अगर तुम लोग चाहते हो तो परचेस कर सकते हो, बहुत ही अच्छा साड़ी है। तो देखो, इस तरफ ना हमें नज़र देना है, यहाँ पर ना हमें एक राउंड जैसा देखना चाहिए। बस ये देखो, मेरा जैसा हुआ ना, ठीक ऐसे एक राउंड होना चाहिए। और अब जो है, हम इस प्लीट को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। स्प्लिट को सेट करने के बाद यहाँ पर हमें टक कर लेना है, देखो ऐसे। अब जो है, हमें एक दुपट्टा चाहिए, और ये बात हमेशा याद रखना, दुपट्टा और ब्लाउज़ की कलर जो है ना वो सेम होना चाहिए। दोस्तों, अब देखो ये जो यहाँ पर एक छोटा सा स्प्लिट मैंने कर लिया, और इसे ना हमें ठीक ऐसे हमारी बेली बटन की ठीक नीचे ऐसे हमें सेट करना है। देखो ऐसे हमें सेट कर लेना है, और यहाँ पर हम जो स्प्लिट रेडी किया था ना वो इसके ऊपर हमें सेट कर देना है। अब जो एक्स्ट्रा जो बचा है उसे ऐसे हमें सेट कर लेना है हमारी कमर पर। अब देखो ये जो दुपट्टा है ऐसे लेकर आना है इस तरह से, और ठीक ऐसे हमारी राइट हैंड की शोल्डर पर इसे सेफ्टी पिन से टक कर लेना है। और देखो ये जो फाइनल लुक आया है ना दोस्तों, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। ट्राई करना दोस्तों इस स्टाइल को, ट्रस्ट मी बहुत ही अच्छी लगोगी, बहुत ही प्रीटी लगोगी, बहुत ही सुंदर स्टाइल है ये। अब चलो हम नेक्स्ट स्टाइल पर चलते हैं। इसके लिए हमें पहले एक गाउन हमें पहन लेना है, और उसके बाद ना ये जो साड़ी है हमें पूरा छोटा छोटा स्प्लिट करते जाना है, और ऐसे इसे टक करते जाना है हमारी गाउन के साथ। छोटे छोटे स्प्लिट करना, जो देखने में बहुत ही प्रीटी लगेगी। ऐसे देखो, छोटे छोटे स्प्लिट करके हमें इसे सेट करना है। देखो दोस्तों,
दोस्तों सिंपल साड़ी से कितना अच्छा एक गाउन तैयार हो गई। अब जो है ना दुपट्टा को हमें ठीक ऐसे हमारी पीछे से यूज़ करना है। देखो ऐसे लेकर पीछे से इसे हमारी शोल्डर के ऊपर ऐसे ले आना है, ठीक इस तरह से। अब यहाँ पर हमें इसे टक कर देना है। अब जो लेंथ है दुपट्टा की उसे मैं शॉर्ट करने के लिए ऐसे एक फोल्ड करके इसे सामने की तरफ लेकर आई हूँ। अब हमें यहाँ पर एक फ्लावर बनाना है। जो लोग फ्लावर बनाना नहीं जानते हो वो लोग सिंपल से ऐसे टक कर लेना सेफ्टी पिन से, बहुत अच्छी लगेगी ये जो स्टाइल है। देखो दोस्तों देखो दोस्तों मैं एक सेफ्टी पिन लेकर यहाँ पर एक टक कर ले रही हूँ। फाइनल लुक देखो दोस्तों, ऑसम, जस्ट ऑसम। तुम सब लोग इस स्टाइल को एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा ये दो स्टाइल। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो पर मैं और भी इंटरेस्टिंग कुछ लेके आने वाली हूँ, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो नेक्स्ट वीडियो पर फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।